Ready, 1, 2, 3. Hi everyone, welcome to my channel and you are watching me, Shahid VCP. और हम पहुंच गए हैं ठाणे. अब क्यों पहुंचे हैं ठाणे, अभी हम आपको दिखाते हैं. सबसे पहले अभी मेरे को निकलना पड़ेगा और ये निकलने के लिए देखो ये क्या हो रहा है. ये है खुल नहीं रहा है. ये है दरवाजा हो गया लॉक, अब खुलने का नाम नहीं ले रहा ये. अब मुझे निकलना पड़ेगा ये वाले डोर से. बताओ क्या क्या करना पड़ रहा है. यही दिन में ये सब होना चाहिए था. अब ये डोर से निकलो यहाँ से, और ये है कि ओपन नहीं हो रहा है. ये सब मसला है अलग अलग. तो अब यहाँ से निकलते हैं ये डोर से, क्योंकि वो डोर से तो निकलने को. तो हम पहुंच गए ये कावासाकी के शोरूम में, और ये है कावासाकी का शोरूम, और भाई है अंदर की तरफ. चलते हैं भाई की तरफ. तो अभी आता एंट्री मारते. तो ये है शाकी. हेलो एवरीवन. पहले अपन पेपर वर्क करेंगे 12 के बाद, फिर इसके बाद केक डिलीवरी. ये है हमारे निंजा के यहाँ पे. अभी अनबॉक्सिंग होगा इसका थोड़े टाइम में. तो पेपर वर्क कम्प्लीट हो चुका है, तो हम करते हैं हम निंजा ट्रेन करते हैं. चाबी मिल जाती है, चाबी ओपन करने के लिए नॉर्मल है. इंसर्ट द की एंड टर्न इट थ्री टाइम्स. तो इतना कैप ओपन. जब भी फुल टाइम तुम करते हो टैंक अप करोगे, ये जो लिप है ये लिप के ऊपर फ्यूल नहीं आना चाहिए, उसके नीचे ही रखना. बिकॉज क्या, अगर तुम ऊपर राइज हुआ, पहली बात तो फ्यूल सेंसर में कभी कभार इशू आता है. सेकेंड बिगेस्ट इशू इज इन केस ओवरफ्लो हुआ एंड इफ द इंजन इज हॉट, इट कैन बी एन इशू. तो जब भी फुल टैंक करो ये लिप के नीचे ही रखना. कैप जब बंद करना है नॉर्मल प्रेस करना है, आपका कैप बंद हो जाएगा. ठीक है, बाकी अपना गाड़ी का हैंडल लॉक इग्निशन सब यही पे दिया हुआ है. फिलहाल गाड़ी का हैंडल लॉक किया है. अनलॉक करने के लिए चाबी डालना है आपको, अंदर प्रेस करके एक बार घुमाना. तो ये चाबी आपका हैंडल जो है अनलॉक हो गया. सेकेंड टर्न में तुम्हारे गाड़ी का इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा. तो इग्निशन पे पूरा डिस्प्ले आ जाएगा. जब भी बाइक स्टार्ट करना है ये बटन ऑफ रहता है, तो इसको ऑन करना है. ऑन करने के बाद 1 सेकंड रुकना है, जस्ट फॉर 1 सेकंड. और 1 सेकंड रुकने के बाद सिर्फ स्टार्टर दबाना है. जब भी आप बाइक को स्टार्ट करते हो मॉर्निंग में या अभी फर्स्ट टाइम हो स्टार्ट ऑफ द डे, RPM तुम्हारा 2000 चलेगा. तुमको वेट करना है जब तक RPM 1500 तक ना, वो नॉर्मली 1 मिनट में होता है. गाड़ी ऑन करके छोड़ देना है, एक आध मिनट में RPM तुम्हारा 1500 पे आ जाएगा. जैसे 1500 पे आया उसके बाद तुम गाड़ी स्टार्ट कर देना. बिकॉज क्या है, तुम्हारा गाड़ी का इंजन ऑयल ठंडा है, इंजन ऑयल को गर्म करने के लिए 1 मिनट लगता है. तो 1 मिनट के बाद यू कैन स्टार्ट राइडिंग. तो अलाउ करना उसको 1500 तक आने के लिए. ठीक है, गाड़ी जब भी ऑफ करोगे ये बटन से तुमको गाड़ी ऑफ कर देना है. एंड इमीडिएटली तुमको चाबी घुमाना है. बिकॉज क्या है, तुमने गाड़ी तो ऑफ कर दी है बट तुम्हारी लाइट चालू है एंड वो बैटरी कंज्यूम कर रहा है. जस्ट एक जल्दी नॉलेज अगर मैं शेयर करूँ, तो अगर तुमने गलती से ये बंद किया बट तुमने ये ऑन कर दिया, 15 मिनट में बैटरी डाउन हो जाएगा. 15 मिनट फिर तुम रखना हमारे हिसाब से ना पड़ेगा. तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी इंजन किल करो डायरेक्टली तुम चाबी ऑफ करो. बहुत लोग डायरेक्ट भी ऑफ करते हैं चाबी, बट उसमें क्या पूरा फ्यूल वेस्ट होता है. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल
गाड़ी स्टार्ट हो जाए, तुमको बंद भी करना है ना बंद हो जाएगी, बट ये यूज़ नहीं करोगे ना तो क्या होता है कभी कभार एक्सेस फ्यूल, तो देखिए तुम्हें फ्यूल कट ऑफ करेगा, तो जो एक्स्ट्रा फ्यूल जो पाइप पे गया था अगर तुम डायरेक्टली ऑफ करोगे तो वेस्ट हो जाता है, तो इसके लिए रेकमेंड है यहाँ से ऑफ करना एंड देन उसके बाद चालू ऑफ करो, ठीक है। बाकी डिस्प्ले में तुम्हारा आरपीएम मीटर, न्यूट्रल, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ठीक है। बाकी ये तुम्हारा क्लॉक है वो अपन तुम्हारी बाइक पे सेट कर देगा, ठीक है। एबीएस का लाइट जब तुम गाड़ी चलाना स्टार्ट करोगे 10 किलोमीटर की स्पीड जब तुम क्रॉस करोगे उसके बाद ये लाइट ऑफ हो जाएगा, मतलब एबीएस इज एक्टिव। इनकेस 10 के ऊपर तुम गए और ये लाइट फिर भी चल रही है मतलब एबीएस काम नहीं कर रहा है, तो एक बार यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। सेम गोज विद द इंजन ऑयल, एक बार तुम गाड़ी ऑन करोगे ये लाइट जानी चाहिए, अगर लाइट आ रही है मतलब इंजन ऑयल के सेंसर या इंजन ऑयल के सेंसर में इश्यू है, ठीक है। बाकी अभी सिंस बाइक अभी नहीं है, फर्स्ट 1000 किलोमीटर या फिर फर्स्ट सर्विस ना करो आरपीएम 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, कोई भी गियर चाहे पहला गियर हो चाहे गियर हो 6000 आरपीएम के ऊपर। उसके बाद में इंजन नया है रनिंग इन पीरियड में जाता है, रनिंग इन पीरियड में तुमको ज़्यादा रेस नहीं देना है एंड 6000 आरपीएम से ज़्यादा जाना। बाकी टायर प्रेशर है तुम्हारा 28/32 आगे 28 आएगा पीछे 32 आएगा, सीट के नीचे स्पेस भी है ना पे इसका ठीक कर पाओगे, ये टर्न करके तुम सोच सकते हो तो तुम्हारा मेडिकेट रहेगा अंदर और नीचे जगह दिया टूल किट यहाँ पे, ठीक है। जब भी सीट लगाना रहेगा ये जो दो पॉइंट है ये दो पॉइंट्स यहाँ पे पहले आपको मैच करना एंड फिर प्रेस करना। बाकी गाड़ी का जो चेन है, चेन बेसिकली हर एक 500 किलोमीटर में लूप करना पड़ेगा, लूप मीन्स चेन ड्राई नहीं होना चाहिए, अगर चेन सिंगल अभी फिलहाल तो फैक्ट्री लूप आता है, फैक्ट्री लूप ड्राई होता है बट 500 किलोमीटर के बाद एक हल्का सा लूप करना, मोटी लूप डालना है या तो सुपर वाले का डालना है काफ़ी सही होना चाहिए, तो वो एक 1500 to 600 किलोमीटर में गाड़ी का लूप होना जरूरी है और 1500 किलोमीटर में चेन का जो सेटिंग रहता है जो टाइटनेस है वो चेक करना जरूरी है, चेन लूज रहेगा तो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, चेन का जब भी सेटिंग रहेगा तो मतलब आगे होगा या सर्विसिंग ना होगा हम आपको करना पड़ेगा। बाकी 17 लीटर्स का टैंक है, इसमें 3 लीटर का रिजर्व, जब भी गाड़ी रिजर्व में देखिए वो ब्लिंकिंग शुरू होगा यहाँ पर ऐसा, ये ब्लिंकिंग चालू होगा, एक बार जब 3-4 लीटर के आसपास आ जाएगा ऊपर आ जाएगा फिर वो ब्लिंकिंग बंद हो जाएगा, तब मेरी गाड़ी अभी जो है नॉर्मल है, मेरे का ब्लिंकिंग है। और एक चीज़ मेरा बस तुमको अगर फोल्ड या अनफोल्ड करना है तो उसको अनफोल्ड करना है तो यहाँ से मत करना, ये यूज़ करना बैटरी से स्टैंड ये यूज़ करके ठीक हो जाएगा, बंद करने के टाइम भी वैसे गया तुमने यहाँ से प्रेस करोगे ना तो कभी कभी बिगड़ का सेटिंग मिल जाता है और ये डेलीफिट करोगे टूट गया तो कॉल मिलेगा, तो ऐसे फोर बनना फोर अनफोर डायरेक्ट इसमें जब तुम ब्रेक करो व्हेन यू आर राइडिंग द बाइक एंड यू आर ब्रेकिंग सुपर बाइक में कैसा इट इज अदर वे अराउंड, नॉर्मली अपन क्या पीछे का ब्रेक यूज करते हैं बट सुपर बाइक में हमेशा फ्रंट ब्रेक आपको यूज करना है एंड इट इज 60-40 मतलब 60% फ्रंट का ब्रेक 40% रेयर का ब्रेक, दोनों ब्रेक आपको साथ में ज़्यादा क्योंकि फ्रंट पर ही गाड़ी अच्छी कंट्रोल होती है बट 60-40 करो तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। हाँ निकाल सकते हैं आटो एक बार हो गया तो निकाल सकते हैं आटो निकाल के फिर आप थोड़ी देर से अपने जगह मैं लगाया अच्छा लगा सकते हैं। हाँ उसको सही उसको सही ये बेसिकली ग्रैबल है पीछे वाले को पकड़ने के लिए कहते हैं अपन बाकी केक कटिंग। हाँ अगर अपन केक कट करेंगे पहले बाइक अनबिल्ड करना है कैसे करना है पहले केक कट करते हैं पहले केक कट फिर उसके बाद में अनबॉक्स ठीक है। तो ये हमारे सोहेल भाई हाय अस्सलाम वालेकुम पूरा डेमो अभी इन्होंने ही बताया है तो अभी यहाँ पे पहले सबसे पहले केक कट करेंगे इसके बाद में अनबॉक्सिंग ओके तो ओके क्या बोलना क्या है निंजा हैप्पी बर्थडे निंजा
नितेश भाई हैं आपको नाम है थैंक यू हेलो सोल थोड़ा सा क्रीम खिलाऊंगा आपको कांग्रेचुलेशन भाई थैंक यू हेलो रेडी 1 2 3 स्टार्ट स्मिल्लानु अर्निया पहले आप ले लो दे दो उनको हाँ जो है अभी सोहेल भाई बाहर निकाल रहे भाई क्योंकि ये जो हाइट यहाँ पे है वो ज़्यादा है तो इसके लिए तो ये हमारे हंसने चले जो इनके सब्सक्राइबर है वो मुझे भी सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर जरूर सर को सब्सक्राइब कर लीजिए चलो फिर मिलता हूँ जरूर जरूर चलो बाय बाय मुझे वापस से यहीं से घुसना पड़ेगा ओपन फ्रॉम दैट साइड का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है और हम जाते हैं सीधा अभी घर और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए